अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। भाई व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है, और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहां तक उचित है? या नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को? जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जो है चेकअप कराने के लिए गए थे, लेकिन बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे। अब इसी को लेकर के जो है अटकलें तेज थी कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो है बात का बतंगर बना देते हैं। उन्होंने अपनी अटकलें तो समाप्त कर दी, लेकिन एक और अटकलें जदयू के लिए बढ़ा दी। उन्होंने कहा है कि जदयू के बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के संपर्क में। और भी क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया, इसका कोई मतलब है क्या? भाई व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है, और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहां तक उचित है? और वह भी हमने देखा जब हम यहां आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं, यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो, यह तो हमने देखा है। ऐसी कुछ बात इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही दो बार तीन बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई, तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? नीतीश कुमार ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? किस बात का फैसला लेना? देखिए ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। या पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमज़ोर हो रहा है, इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहे। कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप मान रहे हैं कमजोर हो रहा है? बात करेंगे सर, कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप कहेंगे? भैया नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को? अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं, मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना हमको, आप सकता होगी तो एक मिनट में बात कर लेंगे। जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है सर, कैसे कह सकते हैं? कुशवाहा जी आरएलएसपी जो आपकी पार्टी थी उसका सिंबल अभी भी पीछे हुआ, क्या एक बार फिर से पार्टी को जीत लेने की संभावना है क्या? देखिए खा मखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं, जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है? अरे भैया कमजोरी दिख रही है कैसे ही, सब लोग एक एक व्यक्ति हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो
तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा 100% होगा, 100% होगा। दो तारीख को कार्यक्रम नहीं, आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है। दो तारीख को कार्यक्रम है सर आपका, महात्मा फूले समता परिषद। हाँ, महात्मा फूले समता परिषद की ओर से भी पूरे बिहार में तमाम जिलों में बैठकें हुई हैं, हो रही हैं। 2 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पे हर जिला में कार्यक्रम करना है, तो इस दृष्टि से तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ महात्मा फूले समता परिषद के संगठन को भी नीचे गांव-गांव तक फैलाने का काम करना है, मजबूत करने का काम है, जिसके लिए समता परिषद के सभी लोग लगे हुए हैं। ये एक सामाजिक संगठन है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।